राइट दोस्तों, हमारे पास आ गया है Vivo T2 Pro। जी हाँ, T2 शायद 4 या 5 महीने पहले लॉन्च हुआ था, अब उसका ये प्रो वेरिएंट आ गया। और एक बात आपको क्लियरली बोल दूं कि IQOO Z7 Pro कुछ दिनों पहले जो आया था, बहुत ही सिमिलर स्पेक्स वगैरह, प्राइस रेंज उतनी होने वाली है, उससे थोड़ी कम ज्यादा होगी, अराउंड 20 to 23,000। आई एम नॉट श्योर जब अनबॉक्स कर रहा हूँ, बट दोस्तों लुक्स में ये अलग है। चलिए देखते हैं, अनबॉक्स करते हैं। व्हाइट बॉक्स, गोल्डन लेटरिंग, कर्व डिस्प्ले। इस सेगमेंट में दोस्तों आई थिंक इट इज वन ऑफ द स्लिमेस्ट फोन्स फॉर श्योर, पर हाथ में लेने के बाद ही पता चलता है। और क्या है, क्लियर केस आती है, देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन, बड़ी सी ब्रिक है, 66 वॉट का चार्जर आता है, यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल, एंड द हंबल सिम कार्ड टूल। या बॉक्स के अंदर यही सब है, ये बॉक्स रखते हैं साइड में। लेट अस लुक एट द फोन। ऑलराइट, ओह डिफरेंट कलर, I like the design. Vivo के phones दोस्तों, you know, you should look forward to the design. बहुत ही अच्छा design है, shimmery है, and you know, kind of marble finish है. Vivo कहता है ये sand dune gold design है, dune gold. जी हाँ, looks beautiful. I don't know आपको कैमरा में दिख रहा है या नहीं, but very nice, premium दिखता है. और एक चीज, ये glossy है, but I'm noticing कि fingerprints ज्यादा नहीं आते हैं, तो definitely that is good, क्योंकि glossy के साथ वो एक issue होता है. वैसे हाथ में slightly बड़ा लगता है, scratch guard आता है, निकालते हैं, थोड़ा आवाज करते हैं. आहा, oh nice, very nice, very very nice. चल, I think it is 7.36 mm, पतला है, और बड़ा होने के बावजूद हाथ में हल्का लग रहा है, 175.4 ग्राम्स मैंने कहा, बट क्योंकि इतना बड़ा था तो मुझे लगा कि थोड़ा वेट होगा, बट 175 ग्राम्स इज रियली नाइस। गिरा के देखते हैं दोस्तों, एजी ग्लास है, लेट्स सी, 1, 2 and 3, पीछे भी ग्लास आती है, सो थोड़ा टेंशन है, फिर भी दिखाते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। तो अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, सिम कार्ड ट्रे आता है नीचे, देन यू हैव माइक्रोफोन, यूएसबी टाइप सी, स्पीकर ग्रिल, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, ऊपर नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर है, एंड देन यू हैव पावर ऑन ऑफ बटन। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले आता है, साइड माउंटेड तो है नहीं, सो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। इन हैंड फील जबरदस्त है, लेकिन बड़ा फोन है, अगर आपके छोटे हाथ होंगे तो थोड़ा बड़ा जरूर लगेगा। और बड़ा इसलिए है क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है, दैट इज बिग, 6.78 इंच का, फुल HD प्लस, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन है, एंड इट इज ब्राइट, 1300 निट्स ब्राइटनेस आता है। और हाँ, लो लाइट के लिए SGS सर्टिफिकेशन भी आता है, तो लो लाइट में ज्यादा आप देखते हो तो आपकी आंखों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दैट इज दैट कर्व्ड डिस्प्ले है, बड़ा डिस्प्ले है। बेजल्स के मामले में बात करूं, साइड के बेजल्स नॉन एग्जिस्टेंट बिकॉज ऑफ दैट कर्व्ड डिस्प्ले, एंड चिन एंड ऊपर का बेजल भी बहुत ही पतला है, डेफिनेटली अ मॉडर्न कर्व्ड 3D कर्व्ड डिस्प्ले। अब दोस्तों, डिस्प्ले अच्छा है, बट आई टेल यू व्हाट, परफॉर्मेंस के मामले में भी, जैसे Z7 Pro था वही है, Dimensity 7200 प्रोसेसर आता है, जिसका अंतुतु स्कोर 7 लाख के ऊपर है। सोचिए दोस्तों, 21-22 हजार का फोन एंड 7 लाख का अंतुतु स्कोर, एक्सीलेंट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। परफॉर्मेंस के मामले में इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द प्राइस रेंज। दो वेरियंट आते हैं दोस्तों, 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, एंड 8/256 LPDDR4X रैम टाइप आती है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप आता है, एंड 66 वॉट चार्जिंग है, यू नो 0 to 50% About 20 to 23 minutes. Performance में दोस्तों, आप medium to high settings में खेल पाओगे, but 60 FPS gaming आपको मिलता है. We played PUBG, COD Mobile वगैरह खेला, 60 FPS and smooth gameplay. Performance के मामले में absolutely very very nice. और gaming में और एक चीज, thermals के बारे में बात करूं, 3K vapor cooling chamber आता है, जिसकी वजह से basically thermals are in check, ज़्यादा गर्म नहीं होता है फोन. वैसे दोस्तों, मैं जिस सोच रहा था, ये actually BGMI है, but अभी भी PUBG दिमाग में है, you know that stays. वैसे आप में से कितने लोग अभी भी BGMI को PUBG बोलते हैं? दोस्तों, OS के बारे में बात करूं तो FunTouch OS 13 आता है, which is obviously based on Android 13. 2 साल के major updates है, 3 साल के security updates है, 8 GB virtual RAM का भी support है, third party apps है, hot games, hot apps वगैरह वो सब है, uninstall कर पाओगे, but yes, there is थर्ड पार्टी एप्स। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया। अगेन, प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट मल्टीमीडिया फोन्स डेफिनेटली, क्योंकि बड़ी स्क्रीन है, अगर बड़े स्क्रीन पे आपको नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब के हमारे वीडियोस वगैरह देखने, बहुत मजा आने वाला है। कलर्स आर एब्सोल्युटली ग्रेट, नो क्वेश्चन अबाउट इट, सो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी ग्रेट। बट हाँ, मोनो स्पीकर्स है, उतना याद रखिए, दे आर लाउड क्वालिटी अच्छी है, बट मोनो स्पीकर्स है, नो स्टीरियो स्पीकर्स। सेंसर्स, ऑल ऑफ देम आर देयर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क वेरी वेल,
डील। कनेक्टिविटी के मामले में 5G है, 10 बैंड्स का सपोर्ट है, जो भी इंडिया में सब बैंड्स है सब सपोर्टेड, डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, वाईफाई 6 आता है एंड ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट है, NFC इज नॉट देयर। चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं एंड डेफिनेटली देयर इज अ मिस हियर, बताने वाला हूं। लेकिन प्राइमरी सेंसर जो है अच्छा है, 64 मेगापिक्सल का OIS सेंसर आता है एंड दूसरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का है। लेकिन एक बात कहूं, जो प्राइमरी सेंसर है उसके फोटोज हमने बहुत सारे क्लिक किए हुए, आई एम एक्चुअली सरप्राइज दैट दे केम आउट सो वेल। इवन सेल्फी सेंसर 16 मेगापिक्सल का है लेकिन कैमरास अच्छे हैं, मैं इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट जो भी ये दो प्राइमरी सेंसर जो है सेल्फी का एंड रेयर का प्राइमरी सेंसर, दे क्लिक सम ग्रेट फोटोज फॉर श्योर। अल्ट्रा वाइड Not there. That's a miss. OIS होने की वजह से दोस्तों लो लाइट के जो फोटोज है, कम लाइट भी रहेगा, आप फोटोज निकालो दोस्तों बहुत अच्छे आते हैं। वैसे बहुत सारे लो लाइट के फोटोज भी हमने क्लिक किए हुए ओरिजिनल क्वालिटी में स्टोर किए हुए, जी ड्राइव लिंक जरूर जाके देखेगा डिस्क्रिप्शन में, गो एंड चेक इट आउट इफ यू आर लुकिंग एट दिस फोन। और हाँ, ये ऑरा रिंग भी आती है लो लाइट के लिए, आपको फोटोज वगैरह निकालने, दैट इज वेरी नाइस। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो रेयर में आप 4K 30 FPS से वीडियो शूट कर पाओगे। अगर फीचर्स के बारे में बात करूं, एक चीज अच्छी है, प्रो स्पोर्ट्स मोड आता है तो एक्शन मोड वगैरह, फास्ट पेस्ड एक्शन वगैरह आपको क्लिक करने। वीडियोग्राफी में फिल्टर्स आते हैं अलग अलग, जी हाँ, इमीडिएटली जब आप फिल्टर्स चूज करोगे तो आपको प्रीव्यू दिखेगा जब आप शूट कर रहे हो, सो दैट इज देयर। एंड डुअल मोड भी आता है, आगे और पीछे का कैमरा एक ही टाइम आपको इस्तेमाल करना है, वो आप कर पाओगे। सो यू नो दिस फीचर्स आर देयर इन कैमरा। अगर छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करूं तो वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन आता है, SAR वैल्यू और विद इन लिमिट्स, नोटिफिकेशन लाइट ऑब्वियसली नहीं है, FM रेडियो नहीं है। या दोस्तों यही है वीवो T2 प्रो। देखिए इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में पिछले कुछ महीनों से सही में बहुत अच्छे फोन आए हैं, सो दिस इज गॉट लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, बट फिर भी मैं अगर बात करूं, इट स्टैंड्स आउट इन इट्स परफॉर्मेंस, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्टफोन्स आउट देयर। IQOO Z7 Pro के लिए भी मैंने यही कहा था, T2 Pro के लिए भी यही कहूंगा कि Dimensity 7200 जो है इस प्राइस रेंज में इज वन ऑफ द बेटर प्रोसेसर्स आउट देयर। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप इंटरेस्टेड हो, एक लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले 1000 लोग अगर बाय करेंगे आपको ₹1000 ऑफ मिलने वाले हैं ऑन द प्राइस। यही है दोस्तों वीवो T2 Pro। अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट्स में जरूर पूछेगा। ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें एक अच्छा गुड परफॉर्मिंग स्मार्टफोन चाहिए, डू शेयर। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग, स्टे सेफ।